नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है। क्या होता है डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड अक्सर बैंक में खाता खुलने के दौरान ही मिल जाता है। इसके साथ ही बैंक की ओर से एक पिन नंबर भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को आप एटीएम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो खाता खुलते समय, बैंक में खाता खुलते समय ही आपको डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, और एक पिन नंबर भी दिया जाता है जिसके माध्यम से आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, हालांकि पिन नंबर को आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदल भी सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड बैंक में खोले गए आपके अकाउंट से जुड़ा होता है। ठीक है, पिन नंबर को आप जब चाहें बदल सकते हैं और ये आपका डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से जुड़ा होता है, यानी कि जब भी आप कहीं पर भी कोई ख़रीदारी करते हैं तो उस समय डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर रुपया आपके अकाउंट से ही कटेगा। इसके लिए आपके अकाउंट में रुपया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तभी निकलेगा। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में ये ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड क्या है? बैंक की ओर से ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड भी विकल्प दिया जाता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रेडिट यानी उधार। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक कर्ज के तौर पर पैसे लेकर खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप एटीएम से निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं उन पैसों का। लेकिन क्रेडिट कार्ड में है क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप बैंक से उधार ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, ये एक तरह का कर्ज होता है जिसे एक निश्चित समय पर चुकाना होता है। इस कार्ड के माध्यम से ग्राहक किसी भी मार्केट पर कार्ड का प्रयोग कर सकता है, फिर चाहे उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बैंक की ओर से कर्ज दिया जा रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं बैंक से। ठीक है, हालांकि क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक की ओर से एक लिमिट तय की जाती है, वहीं उधार लिए गए रुपयों का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। यह समय उस दिन से होता है जिस दिन से आप रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी बैंक आपको कर्ज दे देगी। आप एक लिमिट सेट की जाती है बैंक की तरफ से और जो भी आप पैसे ले रहे हैं उसको 30 दिन में चुका देंगे, भुगतान कर देंगे बैंक को। ठीक है, और ये उस दिन से लागू होता है जो 30 दिन होता है जिस दिन आप पैसा खर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड से। यदि आप 30 दिनों के भीतर बैंक को रुपए वापस नहीं करते तो फिर बैंक की ओर से आपके द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज लगाया जाता है जिससे आपका कर्ज और बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप 30 दिन में क्रेडिट कार्ड से जो भी लिए पैसे बैंक द्वारा, अगर आप 30 दिन में पैसे नहीं देंगे तो उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा जिससे कि और कर्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्ज के भुगतान के लिए दिए गए 30 दिनों के समय को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड आपको बैंक खाता खोलते समय ही मिल जाता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप उसे खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप खर्च कर सकते हैं और वो पैसे बैंक आपको कर्ज की तरह देगी। ठीक है, जिसे आपको 30 दिन में चुकाना होगा। अगर अगर ये 30 दिनों में आपने नहीं चुकाया ये कर्ज, ठीक है,
इस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा और आपका कर्ज और बढ़ जाएगा। इस 30 दिन के समय को कहा जाता है ग्रेस पीरियड। उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड में समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।